हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर 2020 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं प्रमुख सूचकांक, रिपोर्ट व रैंक। दोस्तों, जनवरी से मार्च 2020 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको हर एक क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, कौन सा देश वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 यानी कि दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रिपोर्ट जारी की, जिसमें फिनलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, डेनमार्क को दूसरा स्थान और स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान दिया गया है। दोस्तों, इस सूचकांक में हम बात करते हैं अपने देश भारत की, तो याद रखिएगा, भारत को इस सूचकांक में 144वां स्थान दिया गया है। कौन कितना? 144वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, 2020 के ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को दूसरा स्थान दिया गया है। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं हम ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स की, तो इसे जारी कौन करता है? याद रखिएगा, इसे वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, पशु कल्याण के लिए कौन सा देश सबसे अच्छा कार्य कर रहा है? ये है आपका ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स। आप कह सकते हैं कि किस देश में पशुओं का अच्छे से ख्याल रखा जाता है या उनकी देखभाल की जाती है, इस आधार पर बनाया जाता है ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स की स्थापना, सॉरी दोस्तों, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की स्थापना कब की गई? तो 1981, याद रखिएगा, 1981 में वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 77वें, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, भारत इस बार के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में 77वें स्थान पर रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी इंडेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला स्थान, और आपके लिए जरूरी है भारत की रैंकिंग। तो याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग तो मैंने आपको बता दी, 77वीं, 77। याद रखिएगा, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है नॉर्वे। बात कर लेते हैं दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया। और दोस्तों, नीदरलैंड इस सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, कौन नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों CSIR, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों, CSIR को नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में पहला स्थान दिया गया है। यहां से दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है CSIR का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों, दूसरे स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और तीसरे स्थान पर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 40वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों याद रखिएगा, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 53 देशों में से 40वें स्थान पर रहा है। हम बात कर लेते हैं पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर है आपका अमेरिका, दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन, और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट
द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में कौन टॉप पर रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर है आइसलैंड और स्वीडन को तीसरा स्थान दिया गया है। दोस्तों मैंने आपको कहा कि किसी भी इंडेक्स में पहला स्थान और भारत का स्थान आपको याद रखना है, इसलिए याद रखिएगा अपना देश भारत इस सूचकांक में 51वें यानी कि 51वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर रहा है। दोस्तों दूसरे स्थान पर है नॉर्वे, याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। बात कर लेते हैं हमारे देश भारत की, तो हमारे देश भारत को इस सूचकांक में 76वां स्थान मिला है। कौन सा दोस्तों? 76वां स्थान मिला है, 76। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जापान, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों हेनले ने वर्ष 2020 के लिए पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जापान सबसे ऊपर रहा है, यानी कि पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों सिंगापुर को दूसरा स्थान दिया गया है। कौन सा? दूसरा। याद रखिएगा सिंगापुर को दूसरा स्थान दिया गया है, जबकि जर्मनी तीसरे स्थान पर है। कितने नंबर पर है जर्मनी? जर्मनी तीसरे स्थान पर है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने देश भारत की, तो भारत को इस सूचकांक में 84वां स्थान दिया गया है, यानी कि 84। याद रखिएगा कौन सा स्थान दिया गया दोस्तों? भारत को 84वां स्थान दिया गया है, यानी कि 84। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा, कर्नाटक और केरल। कौन दोस्तों? हरियाणा, कर्नाटक और केरल, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 72, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 72वें स्थान पर रहा है। दोस्तों यह रैंकिंग कुल 132, कितने? कुल 132 देशों के बीच जारी की गई, और पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा इस सूची में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड। दोस्तों यह सूचकांक दुनिया के देशों को उनकी तरक्की करने, प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने और आकर्षित करने की क्षमता के आधार पर तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 2020 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों 80, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों 2020 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर रहा है। दोस्तों याद रखिएगा इस सूचकांक को 180 देशों के बीच जारी किया गया। कितने देशों के बीच दोस्तों? 180 देशों के बीच इस सूचकांक को जारी किया गया। दोस्तों पहले स्थान पर हम बात कर लेते हैं, पहले स्थान पर है डेनमार्क, यानी कि आप ऐसा मत समझिएगा कि डेनमार्क में भ्रष्टाचार ज्यादा है, नहीं, पहले स्थान पर डेनमार्क है। इसका मतलब है कि डेनमार्क में भ्रष्टाचार सबसे कम है। क्या बताया मैंने आपको? पहले स्थान का मतलब है कि डेनमार्क में भ्रष्टाचार सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों झरिया, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में झारखंड के कोयला के मुख्य स्रोत झरिया को भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। दोस्तों याद रखिएगा झारखंड का ही धनबाद को
भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। दोस्तों इस सूची में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, इस सूची में दिल्ली को मिला है 10वां स्थान। कौन सा? 10वां स्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में चीन टॉप पर रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, इस रिपोर्ट का अर्थ क्या है? तो इस रिपोर्ट का मतलब है किस देश में सबसे ज्यादा सोना खरीदा गया है, इसके आधार पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट जारी की गई। दोस्तों चीन पहले स्थान पर है। हम बात कर लेते हैं दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर है दोस्तों रूस। दूसरे स्थान पर कौन है? रूस। और तीसरे स्थान पर है दोस्तों कजाकिस्तान। याद रखिएगा, पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर रूस और तीसरे पर कजाकिस्तान। दोस्तों बात कर लेते हैं अपने देश भारत की, तो याद रखिएगा हमारा देश भारत इस सूची में 6वें स्थान पर है। कौन से नंबर पर? 6वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विश्व की टॉप 500 एनजीओ की सूची में कौन टॉप पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बराक, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, याद रखिएगा वर्ल्ड की टॉप 500 एनजीओ की सूची जारी की गई, जिसमें लगातार पांचवी बार, याद रखिएगा लगातार पांचवी बार बराक शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं बराक की, तो बराक ये किस देश का एनजीओ है? याद रखिएगा बराक बांग्लादेश का एनजीओ है। कहाँ का है दोस्तों? बराक बांग्लादेश का एनजीओ है। कहाँ का? बांग्लादेश का एनजीओ है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई 1972 में। कब दोस्तों? 1972 में। दोस्तों यह वर्तमान में गरीबी, पोषण, स्वास्थ्य, लिंग समानता, पर्यावरण और रोजगार के लिए कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों, बायजूस रविंद्रन और गौरव गुप्ता। तो दोस्तों अभी हाल ही में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर सूची में बायजूस रविंद्रन और गौरव गुप्ता को शामिल किया गया। दोस्तों बायजूस रविंद्रन बायजूस क्लासेस के संस्थापक हैं। कौन है दोस्तों बायजूस रविंद्रन? बायजूस रविंद्रन बायजूस क्लासेस के संस्थापक हैं, और गौरव गुप्ता जोमैटो के सह संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विमेन ऑन बोर्ड 2020 अध्ययन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में नॉर्वे विमेन ऑन बोर्ड 2020 में पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों ये होता क्या है विमेन ऑन बोर्ड? तो याद रखिएगा यह अध्ययन वैश्विक स्तर पर कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति पर आधारित है। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की जरूरत है, तो मैंने एक 1000 स्टैटिक जीके का, यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने लगभग लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।